साथियों, जब इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से देश को इतना फायदा हो रहा है तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर इसमें इतनी देरी क्यों हुई। ये प्रोजेक्ट 2014 से पहले जो सरकार थी उसकी कार्य संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है। साल 2006 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी, उसके बाद ये सिर्फ कागजों और फाइलों में ही बनता रहा। केंद्र को राज्यों के साथ जिस गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए थी, जिस अर्जेंसी से संवाद होना चाहिए था, वो किया ही नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि काम अटक गया, लटक गया, भटक गया। स्थिति ये थी कि साल 2014 तक 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बिछा गया, 1 किलोमीटर भी नहीं। जो इसके लिए पैसा भी स्वीकृत हुआ था वो सही तरीके से खर्च नहीं हो पाया। साथियों, 2014 में सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए फिर से फाइलों को खंगाला गया, अधिकारियों को नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए कहा गया, तो बजट करीब करीब 11 गुना यानी 45,000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गया। प्रगति की बैठकों में मैंने खुद इसकी मॉनिटरिंग की, इससे जुड़े स्टेक होल्डर से संवाद किया, समीक्षा की। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी संपर्क बढ़ाया, उन्हें प्रेरित प्रोत्साहित किया। हम नई टेक्नोलॉजी भी लाए। इसी का परिणाम है कि करीब 1100 किलोमीटर का काम अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। सोचिए, 8 साल में एक भी किलोमीटर नहीं और 6-7 साल में 1100 किलोमीटर। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजनीतिक उदासीनता का नुकसान सिर्फ फ्रेट कॉरिडोर को ही नहीं उठाना पड़ा है, पूरे रेलवे से जुड़ा सिस्टम ही इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा है। पहले फोकस ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर रहता था ताकि चुनाव में उसका लाभ मिल सके, लेकिन जिस पटरियों पर ट्रेन को चलाना था उन पर निवेश ही नहीं किया जाता। रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण को लेकर वो गंभीरता ही नहीं थी। हमारी ट्रेनों की स्पीड बहुत कम थी और पूरा नेटवर्क जानलेवा मानव रहित फाटकों से भरा हुआ था। साथियों, हमने 2014 के बाद इस कार्यशैली को बदला, इस सोच को बदला, अलग से रेल बजट की व्यवस्था को खत्म करते हुए हमने ऐलान करके भूल जाने वाली राजनीति को बदला। हमने रेल ट्रैक पर निवेश किया, रेलवे नेटवर्क को हजारों मानव रहित फाटकों से मुक्त किया, रेलवे ट्रैक को तेज गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए तैयार किया, रेलवे नेटवर्क के चौड़ीकरण और बिजलीकरण दोनों पर फोकस किया। आज वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चल रही है और भारतीय रेल पहले से कहीं अधिक सुरक्षित भी हुई है।